बंधुओं भक्तों सनातन प्रेमियों जय बाबा रामदेव जय श्री कृष्णा राधे राधे बंधु देखिए यात्रा दर्शन के दौरान आज हम पहुंचे ग्राम उग्रास और उग्रास में यहाँ पर है जी महाराज की जीवित समाधि और हमें लेकर के आए हैं भाई श्रवण जी जो कि सीकर वाला जो बाबा रामदेव राम रसोड़ा राम उगरा से कुमारों की ढाणी में लगता है वहां पर अपनी निरंतर सेवाएं देती रहती हैं और इसके बारे में इन्होंने हमें बताया है और आइए आपको यहाँ का सुंदर नजारा दिखाते हैं यह है पौराणिक स्थल है केशुगिरिजी महाराज की जीवित समाधि का ये सुंदर दृश्य ये राजस्थान की धरा देखिए ये वीरों की धरा और यहाँ पर बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े मानते और बड़े बड़े संत हुए हैं हम धीरे धीरे केशव जी की समाधि की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ ये बहुत विशाल तालाब है तालाब की देखिए हल्की हल्की दीवार भी बना रखी है और बहुत विशाल तालाब है बरसात के दिनों में ये संपूर्ण रूप से बड़ी दूरी तक भर जाता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चरवाहे अपनी बकरियाँ वगैरह चराते हैं और ये तपोभूमि है तपोस्थल है देखिए विशाल तपोभूमि सुंदर नजारा राजस्थान की धरा में न जाने कैसी कैसी ऐसे विलक्षण जगह है जिनका कभी दर्शन भी नहीं किया होगा उसी के तहत देखिए हम यात्रा दर्शन के दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं आइए आपको लिए चलते हैं केशुगिरि जी की समाधि की ओर ये देख पा रहे हैं आप यहाँ ऊंचे-ऊंचे धोरे हैं और बिल्कुल निर्जन लेकिन यहाँ पर चरवाए आते हैं अपनी बकरियों को लेकर के और यहाँ पर चराते हैं ये लिखा है तालाब के लिए लिखा है कि तालाब में नाना हाथ पैर कपड़े धोना मना है और जीवत सेवाधि ये आगे की तरफ है ये केशुगिरि जी महाराज की आप देख पा रहे हैं ये सुंदर नज़ारा बहुत दूर तक फैला है ये तालाब जैसा कि हमने कहा कि बरसात के समय पर यहाँ पर ये संपूर्ण तालाब भर जाता है और बड़ी दूरी तक है इसका घेराव है देख पा रहे हैं आप ये तालाब और जो आगे आपको ये दिख रहा है वो समाधि स्थल है बिल्कुल शांत संत महात्मा तपस्वी ऐसे निर्जन जन में आकर के तपस्या किया करते थे और बहुत ही कह सकते हैं कि पौराणिक स्थल है ये चारों तरफ से देखिए आप ऐसे स्थल कहाँ देखने को मिलते हैं ये देखिए भाई श्रवण जी हमें मोटरसाइकिल से लेकर के आए थे और ये इन्हीं की देन है कि आज ऐसे तपोस्थली के दर्शन करने को हमको मिल रहे हैं धीरे धीरे हम समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही ये यहाँ का सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं ये देखिए पुराने समय के बने हुए मकान और हम बढ़ रहे हैं आगे समाधि स्थल की ओर जगह जगह यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है कि इसमें हाथ पांव ना धाएँ और ये देखिए बहुत सुंदर जगह है तपोभूमिया बिल्कुल एकांत एक में हुआ करती थी ये देखिए लिखा है इसमें श्री केशुगिरि जी महाराज की जीवित समाधि शर्मा जी जरा खोलने से आइए यहां से भी आपको तालाब के कराते हैं दर्शन आप ही देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ थी और तालाब बहुत गहरा तालाब है ये जहाँ तक नजर जाती है वहां तक ये तालाब भर जाता था पहले अभी भी पानी बहुत पानी है यहाँ पर देखिए हम समाधि स्थल की तरफ चल रहे हैं और समाधि स्थल पे पहुंचने वाले हैं ये ध्वज लग रहा है यहाँ पे पता का जय श्री केशु जी महाराज जय श्री केशु गिरिजी महाराज ये देखिए तपोभूमि और आप देख पा रहे हैं यह है धूना यहाँ पर यह धूना आप धूने के दर्शन कर रहे हैं पुराने समय की बना हुआ ये छत देखिए इसकी निर्जन वन में तपस्या करते थे संत महात्मा और तपस्वी यहीं पर यह है एक हनुमान जी का स्थान बजरंग बली का स्थान है आइए दर्शन कराते हैं आपको जय श्री राम जय श्री राम भक्त हनुमान इस तपोस्तरी पर देखिए ये हनुमान जी का मंदिर हनुमान जी के दर्शन आप कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन जो कि इसे तपोभूमि में है एक बार फिर से दर्शन कीजिए चरणों से दर्शन जय श्री राम जय श्री राम भक्त हनुमान ये देखिए शिला पर है बहुत सुंदर मूर्ति श्री राम भक्त हनुमान की ये देखिए ध्वजा लग रही है यहाँ पे और काफी पुराने हो चुके हैं ये मकान केसी गुरुजी महाराज का धुना ये देखिए इसमें लिखा है आप देख पा रहे हैं जरा झूम करके देखें समाधि स्थल है और ये देखिए यहां देवाधिदेव महादेव के दर्शन करें आप जय भोलेनाथ जय देवाधिदेव महादेव ये शिव परिवार ऊपर यहां सुबह शाम आरती होती है पुजारी जी सुबह शाम आकर के यहां पर आरती करते हैं शिव परिवार के किए आपने दर्शन जैसा कि हम कह रहे हैं बहुत पुराना स्थल है ये बिल्कुल निर्जन जन वन, वन में ये तपोस्थली श्री केशवुरु जी महाराज की जीव समाधि स्थल है ये देखो हमने बहुत जगह आपको बताया है जाड़ का पेड़ और ये बहुत छायादार होता है और इसके ठंडी हवा देता है ये इसके नीचे गांव में लोग अक्सर अपना विश्राम स्थल बना लेते हैं ये है जाड़ का पेड़ ये एक और समाधि देखिए ये पगले हैं यहां भी पगले और ये देखिए महादेव का स्थान बंधु भक्तों पुरातन चीजें हैं ये आज इनकी सास सम्भाल पूरी तरह से नहीं हो पा रही है बस खाली पुजारी जी आ जाते हैं यहाँ पे और आके पूजा अर्चना करके आरती करके अपने काम पे चले जाते हैं आप देख पा रहे हैं और ये देखिए गुरु जी केशु गुरु जी की समाधि नमन है प्रणाम है वंदन है और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ आपको दिख रहा है जोधपुरी पत्थर से बना ये मंदिर आप देख पा रहे हैं ये मंदिर हाँ बंद हो तो देखा आपने ये तपोभूमि और ये यहां पर हिंगलाज माता का मंदिर है आइए आपको दर्शन करवाते हैं जय मातेश्वरी जय मातेश्वरी धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं ये पौराणिक मंदिर है पुरातन काल का ये मंदिर जय माता दी जय माता दी देखिए जय हिंगलाज माँ तो हम प्रवेश कर रहे हैं माता के दरबार में आइए आपको माता के कराते हैं दर्शन जय माता दी जय माता दी ये हिंगलाज माता के आप दर्शन कर रहे हैं जैसा कि हमने कहा ये तपभूमि पुरातन जगह और मातेश्वरी के आप कर रहे हैं दर्शन जय हिंगलाज माता और यहाँ पे विराजमान हैं पुजारी जी और भक्तजन भी तो आइए पुजारी जी से करते हैं कुछ बातें जी पुजारी जी जय माता जी जय माता दी। जी आपका शुभ नाम ओमपुरी गोस्वामी ओमपुरी जी गोस्वामी है जी पुरी जी, आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं यहाँ पे हम यहाँ से हमारे दादाजी आए थे करीबन पैसठ साल हो गए जी तो पहले उन्होंने पूजा की जी और उसके बाद में आप कर रहे हैं तो माता के बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या कहा थी माता जी कहा से क्या है बताइए थोड़ा ये केशव गिरी महाराज है जीव समाधि है बाहर जी जी हाँ जी अभी हमने शूट किया है तो उनने तपस्या की थी जी पाकिस्तान इंगलाज माता की जी तो वहां से अपनी तपस्या पूरी हुई उसके बाद में इंगलाज माता से बोला कि अब मेरी तपस्या यहाँ पूरी हो गई अब मैं मेरा आगे कारोबार बढ़ाना चाहता हूँ जी तो वहां से इंगलाज माता को बोले कि मेरे को कुछ वरदान दीजिए या आप साथ चलो जी जी तो देवी बोली मैं तो सबके साथ ही हूँ जी तो कुछ सेना नहीं दे दो भाई तो इंग्लाज माता ने बोला कि ये मेरी तीन मूर्ति है ऑटोमेटिक प्रकट करके अपने झोली में डाल दो हिंगलाज माता ने कहा कि जैसे आप जैसे आप जा रहे हो हाँ। तो मेरे से ये है जो हाँ। लेकर के चले जाओ हाँ। और इस तरह से माता जी यहाँ पर वो हाँ। गुरु जी लेकर के आए हाँ। थे जो केशव जी जो है यहाँ इनको लेकर के आए थे केशव जी और वो संत थे और जैसा कि बाहर हमने बताया है कि उनकी जीवित समाधि है जी ये माता जी जिनको केशव जी लेकर के आए थे पाकिस्तान से आपको मूर्तियां देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी पुरानी मूर्तियां हैं जो केशव गुरु जी यहाँ पर अपने साथ में लेकर के आए थे ये तीनों मूर्तियों के कर रहे हैं आप दर्शन बहुत पुरानी है ये हाँ मूर्ति लेके आए थे साथ में मूर्ति के सामने सब यहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ बाबा जी जब धूनी तापी थे ना जी जब वहाँ से झोली में से अनीर नीचे डाले और गुफा के अंदर गुफा बनाई थी जी और गुफा के अंदर तपस्या करनी शुरू तो अंग, कर दी बाबा तो अंगीरा लेकर के आए से आये आग धोली में लेके आए ये देखिए ये दंत कथाएं हो सकती हैं या जैसा भी इन्होंने सुना है वैसा हो सकता है लेकिन बहुत तपोस्तली तपस है ये और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भक्त भी आए हुए बैठे हैं जी जय माता जी जय माता जी आपका शुभ नाम क्या है सिंह जी और आप इनको तो जानते हैं आप ये हैं सरवण सिंह जी इन्हीं की बदौलत है कि हम ये सभी तपोभूमियाँ देख रहे हैं जैसा कि हमने बताया कि राम रसोड़ा में अपनी सेवाएं देते हैं और संपूर्ण राम रसोड़ा में जो भी काम होता है वो सब करते हैं और इनके सानिध्य में हम यहाँ पर आए थे जी हाँ बंधु देखा तो अपना भारत विशाल है और यहाँ तपोस्थलियाँ हैं और दर्जी आपको प्रणाम करता हूँ माता जी को प्रणाम करता हूँ और बंधुओं ये तपो भूमि के आपके दर्शन कराए आप देख करके शायद प्रसन्न हुए होंगे भारत भूमि और जिसमें भी राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है यहां भी बहुत तपस्विया है उसी के अंतर्गत हम जहां जहां जाते हैं पैतनी यही रहता है आपको दर्शन कराएं जय माता देखिए माता जी का त्रिशूल और एक बार जो है फिर से आपको माता जी के दर्शन करवा देते हैं जय माता दी जय माता दी ये बाबा केशोरी जी का ढोलिया मतलब है ढोलिया मतलब आसन आसन है अच्छा अच्छा ये इस आसन पे बैठ के माता जी की तपस्या करते थे माला थे थे जी जी देख लीजिए आप ये खड़ाऊ है हाँ। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर है। जैसे इन्होंने बताया ये है ये, ये खड़ा हुआ है ये झालर है ये झालर है जी जी ये देखिए आप देख पा रहे हैं ये ढोलिया है जहाँ पर बैठ करके तपस्या करते थे ध्यान करते थे मातेश्वरी का आप देख पा रहे हैं ये केशु जी के जमाने का है बहुत ही पुराना है क्या दिखा रहे हैं पुजारी जी आप ये डोरा ये हैं जी ये डोरा बांधते हैं अपनी मन्नत होती है बांधने से जी जी देखिए ये डोरा यहाँ पर जो भी भक्त जन आते हैं वो ये डोरा दो, बांधते हैं और उनकी जैसे ही मन्नत पूरी होती है तो फिर से यहाँ पर बाबा को प्रणाम करने आते हैं और बाबा को प्रसाद भी लेकर के आते हैं तो देखा आपने बहुत पुरातन जगह है जय केश जी महाराज जी हाँ जैसे बताया कि जिन्होंने जीवित समाधि ली थी जी पुजारी जी आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही पौराणिक स्थल ये, ये तपोभूमि तो आप कर रहे हैं दर्शन केशु जी महाराज की जीवन समाधि के स्थल का जो कि उग्रास में स्थित है फलोदी जिले में तो बंधुओं भक्तों देखा आपने अपने राजस्थान की धरा पर ऐसी ऐसी तपोस्थलियाँ हैं जो लोगों को उनका बारे में कोई भी पता भी नहीं है शरवण जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत आभार जो आपने हमें ऐसी जगह दिखाई बहुत बहुत अभिनंदन है आपका जी सरवण जी कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लगा हमारी इच्छा थी भाई यहाँ का दृश्य जवान भाई को बताएं और आगे बढ़ाएं इसको सतातन धर्म को आगे जानकारी देवें बढ़ाए यही हमारा कर्तव्य है यही मेरा लक्ष्य है यही मेरा जीवन है जी जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और ये वैसे भी सेवा का कार्य करते रहते हैं जी हाँ जो सीकर वालों का भंडारा लगता है राम रसोड़ा और कुमारों की ढाणी पर वो यहाँ पर ये नित्य सेवाएं देते हैं ये देखिए कि यहाँ पर भंडारा समापन हो चुका है दूसरे दिन लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पर जैसे कि नवरात्रा का पर्व चल रहा है तो उसमें भक्तजन आते हैं पैदल यात्री आते हैं तो वहाँ विश्राम वगैरह के लिए ये अपनी हाजिरी वहाँ पर दे रहे हैं और उनकी सेवा के लिए तत्पर मैं हूं आपका पूरन मल पारिक जवान भाई जी हाँ बंधुओं में जहां जहां जाता हूँ वहां वहां पर जो भी तपोभूमि होती है मैं आपको दर्शन करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ जय बाबा राम जी जय बाबा जी। जी की जय केश जी महाराज की